नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के एक नए डिवाइस के बारे में जो कि दोस्तों हाल ही में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हां दोस्तों, चाइना के अंदर एक सैमसंग स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जो दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी F52। ये दोस्तों चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है और जिसकी दोस्तों प्री रिव्यूइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसमें दोस्तों आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी प्राइस क्या रखी गई है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको सैमसंग डिवाइस ज़्यादा पसंद है और आप एक सैमसंग नए डिवाइस का वेट कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग ने हाल ही में चाइना के अंदर अपना सैमसंग का F52 5G फोन लॉन्च कर दिया है जिसको आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। ये दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन दोस्तों जो 22 से 23 हज़ार रुपये के बीच की प्राइस है अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 5G फोन है सैमसंग की तरफ से। और इसमें दोस्तों आपको क्या मिलता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ और सबसे दोस्तों इसकी लास्ट में जो आपको बताऊँगा इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी दोस्तों प्राइस इंडिया में क्या रखी जाने वाली है और ये इंडिया में आपको कब से देखने को मिलेगा और कब से दोस्तों इसकी सेल स्टार्ट होगी। दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ फीचर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले जो दोस्तों एक TFT डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बार सैमसंग सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं दे रहा, आपको इस बार मिलेगी TFT डिस्प्ले। दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 750G जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। वहीं दोस्तों इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसके रियर में आपको 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, सेकेंड कैमरा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का और बाकी दोस्तों जो दो कैमरे हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के। दोस्तों कैमरे इसके रियर के काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसके फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा जैसा दोस्तों आपको वीवो के जेड वन प्रो में देखने को मिला था वैसा ही सेम दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, बट दोस्तों उसमें मिला था वीवो में आपको मिला था 32 मेगापिक्सल का, इसमें मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज के बारे में। तो इसका दोस्तों जो बेस वेरियंट है वो होने वाला है 8GB और 128GB वाला जिसमें दोस्तों आप अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हो एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू। या दोस्तों आप अगर इसमें 2 सिम लगाओगे तो आपको मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा और अगर मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो आपकी एक सिम काम करेगी। दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 4500mAh की एक बड़ी बैटरी जिसके साथ दोस्तों आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि 25W का जो चार्जर है वो आपको साथ मिलने वाला है फ़ोन के या फिर दोस्तों आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो तो आपको इस फोन में देखने को मिलता है, बट चार्जर आपको कंपनी देती है या नहीं देती जी हमें तभी पता चलेगा जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस फ़ोन की प्राइस क्या होने वाली है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है जिसकी तकरीबन दोस्तों ये प्राइस है इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो वो दोस्तों 22 से 23 हज़ार रुपये के बीच में। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फ़ोन इंडिया में 24 से 25 हज़ार रुपये के बीच लॉन्च होने वाला है। जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस यही होने वाली है और दोस्तों उम्मीद ये की जा रही है कि ये फ़ोन अगले महीने जून तक ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जून के महीने में कभी भी लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर। दोस्तों अगले महीने 1 जून से लेकर 30 जून तक ये कभी भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है और उसे कुछ ही दिन बाद आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग की जो एफ सीरीज है उसकी सेल दोस्तों फ्लिपकार्ट पे होने वाली है और ऑफलाइन होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि ये फ़ोन कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और इस फ़ोन में दोस्तों आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अभी भी दोस्तों अगर आप इस फोन में वेट कर रहे हो और आपको जो मैंने बताया है अगर आप उस फीचर के साथ इस फोन को लेना चाहते हो तो आप इसका वेट कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप सैमसंग के किसी और फोन के साथ जा सकते हो जो दोस्तों आपको अभी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।